नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट एंड इलेक्ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी दशहरा और दिवाली का टाइम जो है वो आने वाला है, जिसको लेकर सब लोग अपने घर में पेंटिंग का काम शुरू कर दिए हैं, अपने घर के दीवालों को व्हाइट वॉश करना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर अभी जो है मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, क्योंकि अभी जो है हम लोग का लेट तक का दुकान खुला रहता है और जो भी पेंट्स के जो प्रोडक्ट्स है वो सब सेल होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारा चूना है, चूने को हम लोग दीवार पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे जो है फ्रेंड्स चूना का जो लाइफ है, जो आपका 6 महीना चलना होता है, उस चूने का जो लाइफ है वो आपका 6 महीने से बढ़ के साल भर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जिनका बजट तो अच्छा रहता है वो तो अपने घर में इस टाइप के प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं, जिनका बजट थोड़ा मीडियम रहता है वो क्या करते हैं कि डिस्टम्पर लगवा लेते हैं, लेकिन जिनका बजट काफ़ी लो रहता है यानी कि वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, वो इस टाइप के चूना जो है अपने दीवार पर लगवाते हैं। लेकिन चूना लगाना सब लोग जानते हैं कि भाई चूने को करना क्या, पानी में ऐसे घोल देना है और दीवार पे लगा देना है, लेकिन इसका सही फॉर्मुलेशन होता है, एक सही डाइल्यूशन प्रोसेस होता है, वो लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। मैक्सिमम जो मैं आपको बता दूं, 80-90% लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते कि सही तरीके से चूने को कैसे लगाया जाता है। साथ में मनचाहा कलर जो है चूने में आप इस तरीके के, ये भी जो आपके स्टीनर्स है, ऐसे ऐसे जो मनचाहे कलर है आप वो भी इसमें तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारियाँ नहीं होती है, इसलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चूने का सही डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, कब इसको अप्लाई करना चाहिए और ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसको डालने के बाद में चूना जो है उसका जो लाइफ बढ़ जाता है। साथ में अगर आप अपने दीवार पे इस तरीके से कुछ स्टाइल में खड़े अगर ऐसे होते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो शर्ट है, हमारे जो पैंट है, उसमें चूना जो है लग जाता है। अगर हम अपने दीवार पे इस तरीके से हाथ ऐसे रगड़ते हैं तो हमारे हाथ में चूना आ जाता है। साथ में होता क्या है कि जो दीवार का जो सरफेस होता है काफ़ी रूखापन जैसे लगता है। तो ऐसा क्या मिला है जिससे जो दीवार का जो सरफेस है वो भी स्मूथ हो जाए और चूने का जो लाइफ है वो भी बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस चूने के बैग के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो चूना का बैग है ये आपको मार्केट में 80 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में मिल जाता है। इसका जो वेट रहता है ये आपका 6 किलो से लेकर 7 किलो के बीच में रहता है। पहले जो है कंपनी इसको 9 किलो में बनाती थी, लेकिन कंपनी ने कस्टमर को देखा और कस्टमर जो है वो क्या करते हैं कि आज भी जो है चूना का बैग 60-70 रुपये में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, इसका वेट जो है वो कम कर दिया, रेट को उतना ही रखा, सेम पार्ले जी बिस्कुट के जैसे, जो कि आपका 3 रुपये में आज भी मिलता है, लेकिन उसका क्वांटिटी जो है घटा दिया गया और उस पर लिख दिया गया 25% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये तो है आपका 6 किलो से 7 किलो के बीच में मिल जाता है, मात्र 80 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में। अब उसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं वो बोलते हैं कि चूना को लगाने से मात्र 2 घंटा पहले इसको घोलना होता है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, कभी भी चूना को अगर आपको अपने दीवारों पे अप्लाई करना है, चाहे ये पाउडर के फॉर्म में हो तब या पत्थर के फॉर्म में हो तब, तो इसको आपको करना क्या है, रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो एक कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में इसको आप चूने को उसमें पलट दीजिए और उसमें पानी मिक्स कीजिए। पानी को आपको अपने हिसाब से मिक्स करना है, आपका जो सॉल्यूशन रहेगा यानी कि आपका जो चूना का जो सॉल्यूशन रहेगा वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। और ये सब जो आप देख रहे हैं मनचाहे जो आपके कलर हैं यानी कि जो स्टीनर्स है इसको उस समय मिक्स नहीं करना है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको रात भर इसको फूलने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे क्या करना है, जब पेंटर लोग आते हैं अपना धोती वोती सब ऐसे फोल्ड करके जब तैयार होते हैं पेंटिंग करने के लिए, ब्रश लेके तो जब तैयार होते हैं तो उस समय उनको बताना है, बहुत सारे पेंटर को भी ये नॉलेज होता नहीं है या बहुत सारे लोग जो हैं अपने से इसको करने की कोशिश करते हैं तो नॉलेज होता नहीं है। तो जब आप लोग धोती को ऊपर करके ऐसे फोल्ड करके जब पेंट करने की तैयारी करें तो उस समय आपको ये जो है जैसा आपको कलर चाहिए, जो भी आपका मनपसंद कलर है, जैसे कि ये आपका लाल हो गया, उसके बाद में फ्रेंड्स ये आपका येलो हो गया, उसके बाद में फ्रेंड्स लाल को अगर आप ज़्यादा इसमें डालेंगे तो ये आपका रेड हो जाएगा, कम डालेंगे तो ये आपका पिंक बनेगा, ठीक है, उसके बाद में ये आपका फास्ट ब्लू हो गया जो कि स्काई ब्लू होता है, उसके बाद में ये आपका फास्ट रेड हो गया। यहाँ पे 2 कंपनी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक हो गया पीडी लाइट कंपनी का, एक जो है आपका एशियन का, कोशिश करें अगर एशियन का मिलता है तो वो काफ़ी बेटर रहता है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये आपका हो गया वायलेट कलर जो कि इस कलर का आपका बैंगनी कलर का तैयार होगा, उसके बाद में ये हो गया ऑरेंज कलर, ठीक है, उसके बाद में आपका ये हो गया येलो ऑक्साइड कलर जो कि जिस कलर का ये ढक्कन है इस कलर का ये माल जो है वो आपका तैयार होगा, ये हो गया आपका फास्ट येलो ग्रीन जिसको आम भाषा में जो गांव के लोग हैं उसको बोलते हैं सूगा पंखी कलर यानी कि तोते का कलर, तो ये जो है आपका फास्ट येलो ग्रीन हो गया और उसके बाद में ये हो गया फास्ट ग्रीन जो कि हरे हरे रंग का हो गया। तो ये सब जो है
इस तरीके से आप ये कलर जो है अपना तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, भाई चूना तो ठीक है, हमने कलर भी मिक्स कर लिया, अपना कलर भी आप लोग देख सकते हैं, अभी जो है काफ़ी गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है क्योंकि अभी तक मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, शॉप अपना क्लोज करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसकी बात आती है कि इसको किस तरीके से इसका जो लाइफ है वो मेंटेन किया जाता है। देखिए सब लोग जो है करते क्या है, चूने को मिक्स करके कलर मिक्स करके, कलर मिक्स करना सब जानते हैं, कलर मिक्स करके और अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंड्स ये जो है ये हमारा पीडी लाइट कंपनी का DDL है, ठीक है। कई लोग जो है मैंने देखा है कुछ हमारे ऐसे ऐसे क्या मैं बोलूँ, वो जो कह सकते हैं महानुभाव लोग जो है वो फेविकॉल का आपको सजेशन करते हैं, यानी कि जो आपका मेरिन आता है SH फेविकॉल जो आता है, यानी कि जिसको लकड़ी में अप्लाई करते हैं, लकड़ी में लगाते हैं वो फेविकॉल, गलती से भी वो फेविकॉल मत डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपका ब्रश जो है वो बिल्कुल चलेगा ही नहीं और बेकार हो जाएगा। तो ये जो है ये स्पेशल चूना के लिए रहता है, इस पर पैकेट पे पीछे लिखा भी रहता है, सारा जो है इसमें लिखा रहता है कि चूने में कितना मिक्स करना है। तो ये आपका पीडी लाइट कंपनी का एक फेविकॉल का प्रोडक्ट हुआ जिसका नाम जो है DDL आता है, ठीक है, इसको DDL बोला जाता है। तो ये आपको एक बैग में, यानी कि 6 से 7 kg का जो बैग है, एक बैग में ये आपको 1 kg जो है वो मिक्स कर देना है, ठीक है, 1 kg इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद में मिक्स कब करना है, जब आप लोग धोती बांध के ऊपर में जब पेंट करने की तैयारी करें उस समय आपको मिक्स करना है, रात में इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसका जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी जो पावर होती है ना वो आपका स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगा। और ये आप जब पेंट करने की तैयारी करें तब आपको ये मिक्स करना है और आराम से इसको लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इस DDL को मिक्स करके अपने दीवारों पे ये पेंट करवाते हैं, चूना से पेंट करवाते हैं, तो आपका जो दीवार का जो 6 महीने का जो लाइफ था, यानी कि 6 महीना जो उस पर चूना टिकना था, वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ के आराम से आपका साल भर जो है चल जाता है। और मनचाहा कलर कुछ इस तरीके के, जो भी आपके मनचाहे कलर है, जो आप कलर बनवाना चाहते हैं, ये जो है आपका बन भी जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हार्डवेयर पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, जो भी जानकारी है, वो आगे भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।